हेलो एवरीवन, आज मैं बनाने जा रही हूँ चने आलू की सब्जी। इसके लिए मैंने एक कटोरी फूला हुआ चना लिया है, दो आलू को कट करके लिया है और दो प्याज, दो टमाटर को कट कर लिए हैं। अब एक जार लेंगे, इसमें डालेंगे दो हरी मिर्च, अदरक का टुकड़ा, लहसुन 4 से 5 कलियाँ, और इसमें डालेंगे थोड़ा सा फुलाया हुआ चना और इसको ग्राइंड कर देंगे। गाय जी, इसमें थोड़ा सा हम पानी ऐड कर देंगे ताकि हमारा अच्छे से ग्राइंड हो जाए, पेस्ट बन जाए इसका। अब ये हमारा पेस्ट बन चुका है गाय जी, अभी इसे एक बॉल में निकालेंगे। अब गैस पे कुकर चढ़ाएंगे गाय जी, कुकर हमारा गर्म हो चुका है। अब इसमें डालेंगे ऑयल, कुकर में हमारा तेल गर्म हो चुका है गाय जी। अब इसमें डालेंगे पचफोरन, पत्ता, लाल मिर्च, इसमें डाल देंगे हींग। अब इसमें डालेंगे कटा हुआ प्याज, इसे इस प्याज को ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। प्याज हमारा ब्राउन हो चुका है गाइस, अब इसमें डालेंगे टमाटर कटा हुआ और इसे अच्छे से पकाएंगे। अब इसमें डालेंगे नमक स्वाद अनुसार, लाल मिर्च कश्मीरी, धनिया पाउडर, गरम मसाला, कुटी लाल मिर्च, आग में डाल देंगे थोड़ा सा पानी ताकि हमारा मसाला जले ना। इसे अच्छे से पकाएंगे जब तक हमारा तेल ना छोड़ दे। अब इसमें डालेंगे कटा हुआ आलू और इसे भी अच्छे से पकाएंगे। अब इसमें डालेंगे चना का पेस्ट जो मैंने ग्राइंड किया था, डालेंगे चना। सॉरी गाइस, मैंने इसमें हल्दी डालना भूल गया, इसीलिए मैं अभी डाल रही हूँ। डालेंगे कस्तूरी मेथी और सभी को अच्छे से मिक्स करके 5 मिनट पकाएंगे इसे। हाँ, हमारा अच्छे से भून चुका है गाइस, अब इसमें डालेंगे पानी। अब इसे मिक्स करके कुकर का ढक्कन लगाकर 3 से 4 सीटी आने तक पकाएंगे। 3 सीटी आ चुका है गाइस, अब हम फ्लेम को बंद कर देंगे और कुकर ठंडा होने छोड़ देंगे। गाइस, हमारा कुकर ठंडा हो चुका है, हमारा सब्जी बनकर तैयार है। अब इसमें डाल लेंगे हरी धनिया कटी हुई, अब इसे एक प्लेट में निकालेंगे। देखिए गाइज, हमारा आलू चना का सब्जी बनकर तैयार हो गया है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।